What the fuck? मतलब literally बाहुबली 3 आ रही है, मतलब प्रभास का रोला फिर से जमने वाला है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, हाँ यार कसम से कह रहा हूँ, बाहुबली 3 के ऊपर बातें हो रही है। क्या बात हो रही है, चलो बात करते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो, क्या हाल है आप सभी लोग के। तो यार बाहुबली के बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है कि बाहुबली आप एक ऐसी फ्रेंचाइज है ना जो कि सभी लोगों को पसंद आती है, चाहे वो नेगेटिव रूप में हो चाहे वो पॉजिटिव रूप में हो। इसने अपना रोला जमाया है और करोड़ों रुपए छाप के दिए हैं पूरे के पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस को। तो अब यहाँ पे जो है बाहुबली 3 की बातें कैसे हो रही है यार, कैसे बाहुबली 3 आएगी और कब आएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। चलो उसके बारे में यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं, आप लोगों को यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो अभी रिसेंट टाइम में यहाँ पे जो है कंगुआ मूवी के प्रोड्यूसर जो होते हैं किसी के इंटरव्यू के अंदर थे, आई थिंक वो तमिल या तेलुगु में हो रहा है। प्लीज यार आप लोग मुझे बताना कि ये कौन सी लैंग्वेज है, बिकॉज़ मेरे को समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी अपन लोग समझ चुके हैं कि कॉन्टेस्ट यहाँ पे क्या है। पहले एक काम करो, उसको सुन लो। அந்த விஷயம் எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க? அது ரெண்டுமே நடந்துருக்குல்லங்க, நடுவுல இப்ப பாகுபலி 3 யும் பிளான் பண்றாங்க. ஓகே, லாஸ்ட் வீக் பேசறப்ப பாகுபலி 1 and 2 பேக் டு பேக் எடுத்தாங்க, 3 யும் பிளான் பண்றாங்க. ஓகே, ஒரு கேப் விட்டு தான வருது. இப்ப கல்கி 1 வந்திருக்கு, கல்கி 2 வந்து நடுவுல ரெண்டு படத்துக்கு அப்புறம் தான் கல்கி 2 பண்றாங்க. ஓகே, அது சலாரம் அதே மாதிரி எல்லாரும் கேப் விட்டு தான் பண்ணுறாங்க. அது ரெகுலர் ஃபார்முலா இல்லை பிரதர், ஒன்ஸ் ஒரு ஒரு கேரக்டருக்குள்ளே கனெக்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அது கேப் விட்டு பண்ணுறது ஒர்க் ஆகும். சிங்கம் 1, 2, 3 ஒவ்வொரு படத்துக்குமே 3 படம் 4 படம் நடுவில் இருந்திருக்கு. ஓகே, तो जिसको लैंग्वेज आती है वो तो समझ गया होगा, लेकिन जिसको नहीं आती है बेसिकली वो कह रहे हैं कि दे आर प्लानिंग टू शूट बाहुबली 3 आफ्टर बाहुबली 1 एंड 2। भाई ये सुनकर तो मैं यहाँ पे जो है शॉक ही हो गया, बिकॉज ऐसा भी होने वाला था कि यार बाहुबली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बाद यहाँ पे जो है पार्ट 3 भी बन रहा है। बिकॉज मेरे को लग रहा था कि यार पार्ट 2 के बाद तो स्टोरी खत्म हो गई है ना, जहां तक अपने को पता है कि साम्राज्य अपने को यहाँ पे मिल चुका है, विलन यहाँ पे जो है मर चुका है, तो अब क्या सीन यहाँ पे होने वाला है। बिकॉज इन्होंने यहाँ पे लिखा है कल्कि एंड कल्कि पार्ट 2 सलार एंड सलार 2 के बाद अपने को यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। ना अभी तो आप लोगों को पता है कि यार एस एस राजामौली यहाँ पे SSMB मूवी के ऊपर बिजी है, जिसको आई थिंक 2028 में रिलीज किया जाने वाला है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म यहाँ पे जो होने वाली है एसएस राजामौली की, बिकॉज वो जंगल एडवेंचर के ऊपर यहाँ पे बेस होगी। तो इसी बीच अगर आप लोग यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा दिमाग लगाओ कि अगर सपोज करो कि एसएस राजामौली यहाँ पे जो है 2028 के अंदर यहाँ पे SSMB मूवी को रिलीज करते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो महाभारत बनाएंगे, लेकिन चलो ठीक है अगर वो बाहुबली के ऊपर भी यहाँ पे जो है काम करते हैं तो 4 साल मान के चलो, मतलब 2032 तब तक तो हाँ सही तो कह रहे हैं ये लोग, तब तक तो यहाँ पे जो है कल्कि एंड कल्कि 2 भी निकल जाएगा और यहाँ पे जो है सलार एंड सलार का पार्ट 2 जो होता है वो भी यहाँ पे जो है खत्म हो जाएगा। मतलब बाहुबली 3 ये डेफिनेटली अपने को यहाँ पे 2032 के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब देखो यार क्या सीन है कि आप लोग यहाँ पे खुद देखो, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे जो है लाइनअप जो होती है ऑलरेडी है प्रभास के पास, मतलब कल्कि से बड़ा तो क्या ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है बाहुबली 3 के ऊपर बातें हो रही है, जो कि यार सुनने में आ रहा है कि 2032 तक अपने को देखने को मिल सकती है। आप लोग मुझे बताओ कि ये न्यूज़ सुनकर आप लोग कितने एक्साइटेड हो यार, मैं तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया अचानक से। यहाँ पे इसके ऊपर कोई अपडेट है कि मैं आपको जरूर दूंगा, तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो।